आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स वेलकम। सो द क्वेश्चन इज, इन हाइड्रोसियर द स्टेजेस दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर ईच स्वर्म स्टेजेस आर रिस्पेक्टिवली ए फाइटोप्लैंक्टन स्टेज एंड सबमर्ज स्टेज, बी सबमर्ज स्टेज एंड सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज, सी सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज एंड मार्श मीडो स्टेज, डी सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज एंड स्क्रब स्टेज। सो गाइस, हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोसियर में जो स्टेजेस हैं रीच स्वैम के पहले और बाद में कौन सी आती हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि सक्सेशन क्या होता है। तो सक्सेशन गाइस एक ग्रेजुअल और प्रिडिक्टेबल चेंज है जो स्पीशीज कॉम्पोजिशन और उसके स्ट्रक्चर में आता है विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट। ओके सो सक्सेशन क्या होता है, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन। ओके सो गाइस, ये होता है सक्सेशन। अब इसमें क्या रहता है गाइस कि एक स्पीशीज जो है एक एरिया में इन्वेड करती है। ओके फिर क्या रहता है गाइस, फिर वो वहां पे रहती है, अडेप्ट होती है, देन वहां पे दूसरी स्पीशीज इन्वेड होती है, देन ऐसा करते करते क्या रहता है गाइस, जो एक स्पीशीज होती है वो दूसरी स्पीशीज के लिए वो कंडीशन क्या करती है, फेवरेबल कर देती है वहां सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसे पूरा एक सीक्वेंस आता है और फिर वहां पर एक इक्विलिब्रियम वाली कम्युनिटी आ जाती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो कि क्या रहती है, नियर इक्विलिब्रियम रहती है विद एनवायरमेंट। ओके देन गाइस, अब क्या रहता है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोसियर में कौन सी स्टेज आती है। अब हाइड्रोसियर क्या होता है गाइस, जो स्पीशीज है वो अगर किसी वेट एरिया में सक्सेशन स्टार्ट करती हैं एंड फिर वो मीजिक कंडीशन में आती हैं। मीजिक कंडीशंस क्या रहती हैं गाइस, कि मॉडरेट कंडीशन रहती है, वो एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम वेट नहीं रहती और बहुत ही ज्यादा ड्राई नहीं रहती, मीडियम वाटर कंडीशन रहती है, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोसियर में क्या रहता है, जो सक्सेशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वेटर एरिया से। ओके और कहाँ पहुंचती है, एक मॉडरेट वाटर कंडीशंस में। ओके दैट मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है एक हाई डार्क कंडीशंस में, जहाँ पे वाटर का क्वांटिटी जो है वहां पे उस एरिया में वो काफी ज्यादा है। ओके तो ये कौन सी कंडीशन, ये कौन सा सक्सेशन कहलाता है, ये कहलाता है हाई डार्क सक्सेशन। ओके सो गाइस, इसमें क्या रहता है, पूरा सीक्वेंस होता है कम्युनिटीज का जो कि डेवलप होता है। ओके देन हम अब एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं कम्युनिटी का। तो गाइस, सबसे पहली जो स्टेज आती है वो होती है फाइटोप्लैंक्टन। ओके फाइटोप्लैंक्टन के बाद जो स्टेज आती है वो है रीड स्वैम स्टेज। रीड स्वैम के बाद जो स्टेज आती है वो है सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। ओके देन जो स्टेज आती है वो है मार्श मीडो स्टेज। मार्श मीडो के बाद जो स्टेज आती है वो है सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। देन कम्स स्क्रब स्टेज एंड देन फाइनली इट लीड्स टू फॉरेस्ट। ओके सो गाइस, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन है वो टोटली वेट कंडीशन है। ओके सो ये वेटर एरिया से स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे कहाँ एंड हुआ है, फॉरेस्ट पे, जो एक मॉडरेट वाटर कंडीशंस में रहते हैं, क्योंकि जो हमारी सॉइल रहती है वो कैसी रहती है, वो मॉइस्ट रहती है, राइट। सो ऐसा सक्सेशन क्या कहलाता है,
हाइडल सक्सेशन जो फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट हुआ, दैट मींस वेटर कंडीशन से स्टार्ट हुआ है एंड मॉडरेट मॉडरेट वाटर कंडीशंस पे जाके एंड हुआ है. ओके अब हमारा क्वेश्चन क्या है गाइस कि जो रीच स्वैम स्टेज है उसके पहले और बाद में कौन सी स्टेज आती है. तो ये रही मेरी रीच स्वैम स्टेज. अब इसके पहले जो स्टेज है वो है फाइटोप्लैंक्टन और इसके जो बाद स्टेज है वो है सबमर्ज प्लांट स्टेज. तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन एंड सबमर्ज प्लांट स्टेज. ओके सो अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं. हमारा पहला ऑप्शन है फाइटोप्लैंक्टन एंड सबमर्ज स्टेज. तो हमारा आंसर क्या होगा गाइस, हमारा आंसर होगा ए. ओके थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.